Ellipse lecture number 3 whose center ellipse whose center is at 0, 0, right? ऐसा ellipse, sorry, इसका center 0, 0 के ऊपर नहीं है, इसका center जो है वो h, k के ऊपर कहीं ला पे कर रहा है, h, k। ये आप ओरिजिन ना माने, ओरिजिन लेट से ऐसे मान लें, और ये कहीं मतलब ये x एक्सिस और y एक्सिस नहीं है, ऐसा मान के चलो। आपको शायद इस तरह फील हो रहा हो कि ये ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन नहीं, मैंने बता दिया कि ओरिजिन आपकी शिफ्ट हो गई है, लेट्स से और कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जिसका ओरिजिन जो है h कॉमा के ऊपर है, तो कंसीडर कर लो। एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसका सेंटर h कॉमा के ऊपर होगा, x माइनस h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हिच सेंटर इज एट h कॉमा k। और यहाँ पे ये मार्क मान के चलते हैं कि a ग्रेटर देन b, दिस इंडिकेट्स द मेजर एक्सिस लाइज अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया a ग्रेटर देन b, और अब देखेंगे a किसके नीचे आ रहा है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी अलॉन्ग, यहाँ पे x है उसका डिनोमिनेटर a है, a ग्रेटर देन b है तो उसका मतलब जो बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसके अलॉन्ग मेजर एक्सिस लाइक रहेगी। यहाँ पे मेजर एक्सिस ये वाली है, ये माइनर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स मिलते हैं ये और ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, ये वर्टेक्स हैं, और ये जो माइनर एक्सिस के ऊपर कट कर रहे हैं या मिल रहे हैं अपने कोनिक को एलिप्स को, वह कोवर्टेक्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्टेक्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये वर्टेक्स वन है, पहले एच कमा के था ये वाला पॉइंट, हमने हॉरिजॉन्टल मूव किया, मतलब वर्टिकल कंपाउंड में नो चेंज, वर्टिकल कंपाउंड के ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपाउंड पहले एच था, कितना उसने आगे मूव किया राइट वर्ड्स को, राइट वर्ड मूव कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव समथिंग ऐड करेंगे, कितना ए जितना मूव किया, तो एच प्लस ए कमा के, दिस विल बी इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, यानी कि एफ सी सा होगा वो एच प्लस ए होगा, एच प्लस ए कमा के वर्टेक्स वन हो गया हमारा। और वर्टेक्स टू जो है हमारा, वर्टेक्स टू यहाँ पे ये, इसके पॉइंट्स जो होंगे वी टू इज इक्वल टू, ये भी डिस्टेंस तो ए है, दोनों वर्टेक्सेस ए की डिस्टेंस होते हैं। अब लेफ्ट वर्ड आए हैं, लेफ्ट वर्ड आए हैं, अगेन वही लाइन है, वाई कंपोनेंट कॉन्स्टेंट, ये लॉजिक वाई कंपोनेंट कांस्टेंट, एच था पहले इधर तक, पीछे गए तो लेफ्ट वर्ड गए, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे या कुछ नेगेटिव ऐड कर देंगे, नेगेटिव ऑफ ए ऐड कर दिया हमने, तो वर्टाइसिस क्या हो गए हमारे, प्लस माइनस ए कामा जीरो हो गए, ठीक है। और इक्वेशन बन गई कंडीशन, वर्टाइसिस कोवर्टाइसिस, दीज आर द कोवर्टाइसिस, और ये लेंथ जो है हमारी अगर बी हो, ये भी लेंथ बी हो, तो ये एक माइनर एक्सिस है और ये कोवर्टेक्स है, कोवर्टेक्स वन, इसके कोऑर्डिनेट्स ये बी जितना ऊपर गया है, और इसका एच कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले एच था और वर्टिकल लाइन के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज नहीं आती, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, इसके जो इसका वर्टेक्स वन है, सॉरी कोवर्टेक्स वन है, सी वी वन, एच और बी जितना हमने राइज किया है ऊपर गए, अपवर्ड गए, इसलिए वाई का समथिंग पॉजिटिव एड होगा, के पहले ही था यहाँ तक, ऊपर बी जितना राइज किया तो बी इसमें एड हुआ, नीचे के लिए नीचे आए क्योंकि, तो नेगेटिव समथिंग ऐड करेंगे, और जो एक्स कंपोनेंट है वो वैसा का वैसा रहेगा, एच कमा के माइनस बी इज द अदर कोवर्टेक्स, कोवर्टेक्स टू, लेट्स से बात समझ आ रही है, कोवर्टेक्स टू मतलब, सॉरी यहाँ पर मैंने ये वाला पॉइंट गलत लिखा है, जो वर्टेक्स के पॉइंट हैं ये क्या हो गए, जीरो कमा, सॉरी जीरो तो नहीं है ना, यहाँ पे ये एच कमा के है, तो वर्टेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो एच प्लस ए कमा के हैं, और जो कोवर्टेक्स के पॉइंट हैं वो है एच कमा के प्लस माइनस बी है, लॉजिक कोवर्ट एक्सिस भी हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इस मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसिस कह दें, वो तो सेम ही होता है, टू ए टू ए हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो टू बी, या फिर डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टाइसिस यहाँ से लेकर यहाँ तक का टू बी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये यहाँ से अगर इसको मैं नीचे ले आऊँ, और तो सेंटर से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो ए बाई ई जितना होता है, ये भी ए बाई ई है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन दो डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान, डायरेक्ट्रिक्स सिंगुलर, डायरेक्ट्रिसेस प्लूरल, तो दो डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए ये ए ये, तो ये हो गया टू ए अपान में ई इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है। और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसिस आर द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आर डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टाइसिस, अनदर पॉइंट, सेंटर देख लिया, वर्टेक्स देख लिया, कोवर्टेक्स देख लिया। अच्छा, जो डायरेक्ट्रिसेस हैं उनकी इक्वेशंस क्या होंगी, अब देखना, अब डायरेक्ट्रिसेस क्योंकि वर्टिकल है तो इसका वर्टिकल लाइन की इक्वेशन एक्स के टर्म्स में बनती है, तो लिख लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू समथिंग,
यहाँ पर ये देखिए ये वाला पॉइंट, अच्छा ये वाला पॉइंट देख लेते क्या है एक्चुअली, इस वाले पॉइंट पे देखिए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट मतलब के ही, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच पहले था उसमें ए ई और एड हुआ है, देखिए यहाँ तक एच था और राइट वर्ड गए तो ए ई और एड हुआ इसमें, ए सॉरी ए अपन में ई, तो ऐसी लाइन ऐसी ऐसी वर्टिकल लाइन जो कि एच प्लस ए अपन में ई कामा के में से पास कर रही है, के क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सॉरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है ना, ऐसी वर्टिकल लाइन जो कि एच एच प्लस ए अपन में ई का मा के में से पास कर रही है वर्टिकल लाइन, तो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल वैल्यू कांस्टेंट रहता है, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू एक्स का होगा दैट इज एच प्लस ए अपन में ई इज द इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स, और इस डायरेक्ट्रिक्स की रिवर्स में एच ये वाला पॉइंट एच पहले से ही था, कितना पीछे आए ए बाई ई जितना एच डिवाइडेड एच माइनस ए बाई ई कामा के कॉन्स्टेंट, इस लाइन के ऊपर के की वैल्यू पूरी कॉन्स्टेंट पता है कैसे। तो दूसरा जो लेट्स से ये एक्स वन कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स वन की इक्वेशन, एक्स टू कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स थ्री डायरेक्ट्रिक्स वन की इक्वेशन या कैसे मतलब कंबाइन लिए इन दोनों को लिखेंगे इसको मिटा के, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस माइनस ए अपॉन में ई इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, कंबाइन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल एलिप्स व्हिच सेंटर इज एट एच कॉमा के। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लेटर सेट, अच्छा यहाँ पे फोकस की भी बात नहीं की फोकस की वो देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें बता दूँ यहाँ पे जो लिखा था वो भी फिर से लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एच प्लस माइनस ए अपॉन में ई द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बाकी मैं बताता हूँ यहाँ पे भी दो फोकस अगेन बनेंगे तो वो भी बना के देखते हैं, यहाँ पे फोकस वन यहाँ पे फोकस टू, अच्छा अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँगी ये जो डिस्टेंस है ये सी डिस्टेंस है, फोकस सेंटर से सी डिस्टेंस जितना दूर होता है ये भी सी डिस्टेंस है, तो एक राइट वर्ड एक लेफ्ट वर्ड, ये वाला पॉइंट पहले यहाँ पे एच कामा के था, अब हॉरिजॉन्टल मूव किया इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज आए एच प्लस सी हो जाए ये पॉइंट, और के कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अभी कांस्टेंट ही रहे, ये वाला पॉइंट मतलब फोकस टू है रियली सॉरी यार, ठीक है यहाँ पे ये एलिप्स हो गया, तो ये वाला पॉइंट जो है ये फोकस टू है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच था पहले लेफ्ट वर्ड आए मूव किया कितना किया सी जितना एच माइनस सी कामा के, तो फोकस के जो पॉइंट्स हो गए वो क्या कौन से हो गए एच प्लस माइनस सी कामा के, राइट ऑलराइट, फोकस के पॉइंट क्या हो गए एच प्लस माइनस सी कामा ए कामा के, इन अदर वर्ड सी इक्वल्स ए के बराबर है पिछले वीडियो में बताया था, तो एच प्लस माइनस ए ई कामा के भी लिख सकते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ए भाई ए की कहाँ से है, तो ये सी के बराबर ही होता है, तो कन्फ्यूजन बना के एंट्री टेस्ट में दे देते हैं, ठीक है कि मतलब पूछ लेते हैं कि जनरली स्टैंडर्ड इक्वेशन देकर पूछ लेते हैं कि फोकस कहाँ पे होगा, और ऑप्शन कुछ ए ई में होते हैं, सी का सी कुछ दिखी नहीं रहा होता वहाँ में, ए सी कुछ छुपाया हुआ है ए इंटू ई में, सी कुछ ए इंटू ई होता है, अगेन एलिप्स के लिए इक्वेशन जो होती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बाकी इसमें से दूसरी इक्वेशन बनी थी वो मैंने पिछले वीडियो में बना के दिखाई थी वो भी देख लें, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टा दो दो लेटेस्ट रेक्टम बनते हैं एलिप्स के केस में, एक ये वाला बनेगा एक ये वाला बनेगा, अब इनके एंड पॉइंट्स भी बनेंगे तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है अच्छा लेंथ ऑफ दोनों लेटर सेक्टम की जो लेंथ होगी ना वो होगी टू बी स्क्वायर ओवर ए, अगेन लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम ऑफ एलिप्स, लेटर रेक्टम क्यों क्योंकि प्लूरल ऑफ लेटर सेक्टम है, इधर दो लेटर सेक्टम है ना एक ये एक ये, तो इसलिए अच्छा इसकी लेंथ भी हो गई, अब देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कोई क्वेश्चन भी देते हैं, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस फुल मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो टू ए होती है, सेमी मेजर एक्सिस की ए हो जाएगी, फिर लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस फुल जो है वो टू बी है और सेमी माइनर की हो गई, सॉरी सेमी मतलब हाफ टू बी डिवाइडेड बाई टू इज बी, बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। द नेक्स्ट इज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टर, देखने हमने गड़बड़ होती है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हमने सेट किया था एच प्लस सी कामा के, अब मैं थोड़ा वर्टिकली मूव कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा वर्टिकली मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है मैं कुछ यार मैं कुछ इस तरह मूव करना चाह रहा हूँ वर्टिकली, ठीक है और ये इसकी टोटल जो लेंथ है वो टू बी स्क्वायर ओवर ए है, मतलब बी स्क्वायर ओवर ए ऊपर बी स्क्वायर ओवर ए ये नीचे, तो ये अगर पॉइंट मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं आराम से, ये वाला पॉइंट लिखो जी, यहाँ पे आपने देखा एक कंपोनेंट जो है एच प्लस ए एच प्लस सी है, तो वर्टिकल लाइन के ऊपर ये पूरी वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ पे भी एच प्लस सी ही होगा वो,
और वर्टिकल कंपाउंड पहले के था, अब वर्टिकली मूव किया है तो इसका मतलब वर्टिकल कंपाउंड भी चेंज आई, पहले के था, अब कितना राइज हुआ, बी स्क्वायर बाई ए, तो के प्लस बी स्क्वायर बाई ए ये हो जाएगा, ये एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम ये वाला। और सेम ये वर्टिकल लाइन है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहना है, एच प्लस सी कामा के माइनस, क्योंकि नीचे है अब, तो के माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, सेम इसी तरह यहाँ पे भी सोचेंगे, यहाँ पे भी सोचेंगे। ये क्या है, सेकंड जो है ना दूसरा लेटर सेक्टम है, तो इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे, ये वाला पॉइंट हमने देखा था, ये वाला एंड पॉइंट क्या था, एच माइनस सी कामा के, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये जो वर्टिकल लाइन आ गई तो अगेन इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉन्स्टेंट एच माइनस सी कॉमा के माइनस, क्योंकि नीचे आए हैं तो के माइनस कितना, ये भी तो बी स्क्वायर बाई ए, ये भी बी स्क्वायर बाई, बी स्क्वायर बाई ए नीचे आए तो बी स्क्वायर बाई ए ये, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इसके ओरिजिनल कंपाउंड सेम एच माइनस सी कामा के माइनस, सॉरी के प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर गए अपवर्ड जब मोशन करते हैं तो वाई की वैल्यू समथिंग पॉजिटिव ऐड करते हैं, तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टर लिख लिया हमने। इसको कलेक्टिवली अगर लिखें, कलेक्टिवली एंड पॉइंट्स को लिख लें, ये किप्स की बुक में भी है, सी एम सी क्यूज में कलेक्टिवली उसने पॉइंट्स यानी एंड गिफ्ट में, तो जो है एंड पॉइंट्स क्या रहेंगे, अब यहाँ पे सी की जगह ए भी पुट कर सकते हैं, वो भी देख लो, तो एच प्लस माइनस सी कमा के प्लस माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए आर द फोर एंड पॉइंट्स, दो एक लेटर सेक्टर के दो अलग लेटर, मतलब ये फोर एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। कैसे प्रीवियस वीडियो में बताया कि इसको कैसे 400 में तकसीम किया जाता है, अच्छा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं फिर आपको दे दें एग्जाम में, क्योंकि सी इज़ इक्वल्स ए के बराबर है, तो के प्लस बी स्क्वायर ओवर ए ये भी बना सकते हैं, के प्लस माइनस, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टर हमने देख लिए, एंड सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, हाँ सेंट्रिसिटी पिछले वीडियो में बताया था, सेंट्रिसिटी इज इक्वल्स ए ओवर ई, यहाँ से सेंट्रिसिटी इज इक्वल्स ए ओवर सी ओवर एम, राइट, सेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, यहाँ से ही तो निकलता है, सी इज इक्वल्स टू ए, ये याद रख लो। और सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इन जनरल लेस देन वन, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन लिख लीजिए, अच्छा यहाँ पे इन लेटर सेक्टम की अगर इक्वेशन लिखें तो क्या बात करेंगे, ये वर्टिकल लाइन है दोनों, दोनों की कलेक्ट इक्वेशन पहले अलग अलग लिख लेता हूँ, ये वर्टिकल लाइन है और ये वाला पॉइंट क्या, वर्टिकल लाइन है और पास कहाँ से हो रहा है, एच कामा सी प्लस के से गुजर रहा है, तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के मतलब टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे, एक्स इज इक्वल समथिंग, किस पॉइंट में से गुजर रही है, एच माइनस सी वाले में से, तो एच माइनस सी पूरी लाइन के ऊपर इसके ऊपर कांस्टेंट रहता है, तो एक्स इज इक्वल्स टू एच माइनस सी इज द इक्वेशन ऑफ दिस वाला लेटर सेक्टम, इस वाला लेटर सेक्टम की इक्वेशन, ये एच प्लस सी वाले कंपोनेंट ऐसे पॉइंट में से पास हो रहा है जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट यानी कि एब्सिसा जो है वो एच प्लस सी है पूरी लाइन के ऊपर इसके ऊपर, तो और वर्टिकल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस लाइन के ऊपर कांस्टेंट होता है, पूरी लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे भी एच प्लस सी है, यहाँ पे भी एच प्लस सी है, यहाँ पे भी एच प्लस सी, इसी तरह नीचे भी एच प्लस सी होगा इसी लाइन के ऊपर, ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो मैंने अभी एच माइनस सी, तो दूसरी की लाइन हो गई एच प्लस सी, कंबाइनली अगर लिखूँ तो ऐसे बस आ सकते हो आप, एच तो दोनों में ए प्लस माइनस सी, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लेटर राइटर ऑफ एलिप्स वो सेंटर इज एट एच कामा के, आई थिंक सारे पॉइंट्स के लिए। अच्छा यहाँ पे भी अगेन मैं एक और पॉइंट भूल गया हूँ, यहाँ पे फोकस लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसकी क्या है, ये इसकी एक्सिस ऑफ एलिप्स है, तो एक्सिस ऑफ एलिप्स की हम इक्वेशन अगर बताएं तो वो कौन सी होगी, एक्सिस ऑफ एलिप्स इक्वेशन, अब ये देखिए ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है, सबसे पहले मान लें कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो है नहीं, ये दोनों ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, मैंने पहले बताया कि यहाँ पे ये एच का मके है, ये भी समझ लो, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है एच का मके से, हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एब्सिसा की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, ऐसे कंपोनेंट्स में इक्वेशन के लिए जो कि कांस्टेंट हो, यहाँ पे तो के कांस्टेंट है पूरी लाइन के ऊपर, के कांस्टेंट है, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन वर्टिकल कंपोनेंट्स में लिखते हैं, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन वाई कंपोनेंट्स में वाई के टर्म्स में लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू k इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स, ठीक है। आई होप के ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट होगा एलिप्स लेक्चर नंबर 4, एंड वर्टिकल एलिप्स होगा जिसका सेंटर की नेचर k के ऊपर होगा, देन उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, कल सुबह कल आज तो पूरी रात मेहनत की आप लोगों के लिए, द बेस्ट ऑफ लक।